बीते साल 2019 में हमीरपुर जिला में दुर्घटनाओं के मामले में कटौती हुई है और पुलिस की सक्रियता के चलते ही दुर्घटनाओं का आंकड़ा सिमटा है। गत साल जहां 128 केस दुर्घटना के दर्ज हुए थे, वहीं इस बार 109 केस ही दिसंबर माह तक सामने आए हैं। हमीरपुर पुलिस की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के साथ साथ दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता रंग लाई है, जिसके चलते ही ये संभव हो सका है। बीते साल 2019 में हमीरपुर जिला में दुर्घटनाओं के मामले में कटौती हुई है और पुलिस की सक्रियता के चलते दुर्घटनाओं का आंकड़ा सिमटा है। गत साल जहां 128 केस दुर्घटनाओं के दर्ज हुए थे, वहीं इस बार 109 केस ही दिसंबर माह तक सामने आए हैं। हमीरपुर पुलिस की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के साथ साथ दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता रंग लाई है, जिसके चलते ही ये संभव हो सका है। साथ ही दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट पहनने के साथ गाड़ी में सीट बेल्ट लगाने के लिए नियम को लागू करने से दुर्घटना की घटनाएं घटी हैं। एसपी हमीरपुर अजीत सेन ने खुशी जाहिर की है। एसपी हमीरपुर अजीत सेन ने कहा कि नशे के आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने ज्यादा एनडीपीएस केस दर्ज किए हैं और इस साल 51 केस पुलिस ने दर्ज किए हैं, जबकि 10 किलो चरस, 364 हेरोइन, 464 ओपीएम, 15 किलो बुक्की भी पकड़ी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने साल भी नशे को खत्म करने के लिए अभियान जारी रखेगा। बता दें कि हमीरपुर जिला में पिछले वर्ष 2019 में 59 लोगों ने मौत को स्वेच्छा से गले लगा लिया है और जीवन से दुखी होकर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वालों की संख्या इस वर्ष 41 रही, वहीं अन्य ने फंदा लगाकर जान दे दी। हालांकि चोरी के मामलों में इस वर्ष कमी जरूर आई है। संवेदनशील जगहों पर लगे 65 सीसीटीवी कैमरों की बदौलत चोरी की घटनाएं वर्ष 2018 के मुकाबले आधी हुई हैं। इस वर्ष चोरी के मामले 15 हुए, जबकि वर्ष 2018 में इनकी संख्या 31 थी। वहीं हत्या के तहत 2 बलात्कार के 3, चोरी के 6, गृह भेदन का 1, एनडीपीएस एक्ट के 4 आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। वर्ष 2019 में चोरी के कुल 15 मामले दर्ज हुए हैं। हाँ, संख्या जो सैंक्शन स्ट्रेंथ जिसको बोला जाए वो हमीरपुर की थोड़ी कम ज़रूर है, क्योंकि हालांकि सेंट्रल रेंज में हमीरपुर ज़िला जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस ज़िला है और दूसरा हिमाचल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला भी ज़िला है, पर फिर भी हमारा खासकर रोड एक्सीडेंट और रोड सेफ्टी के माध्यम से अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी रिडक्शन है। हमारा 128 केसेस जो पिछले साल रजिस्टर्ड थे उसके बनिस्बत इस बार 109 केसेस रजिस्टर्ड हैं, जो कि एक अच्छा साइन है कि हमारी रिडक्शन हुई है रोड एक्सीडेंट्स में, खासकर फेटल एक्सीडेंट्स में। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे चलानों में और लॉ इन्फोर्समेंट या मोटर व्हीकल एक्ट की इन्फोर्समेंट अगर बोला जाए उसमें ज़रूर हमारी वृद्धि हुई है, पर उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके सामने ही है कि रोड्स की कंडीशन और ट्रैवलिंग का जो पिछले साल के बनिस्बत जो ट्रैवल बढ़ा भी होगा यातायात, उसके कंपैरिजन में हमारे रोड एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है और आम जनता का एक इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने हमारे को पूरी तरह कोऑपरेट किया। डबल हेलमेट सीट बेल्ट लगाने का जो मुहिम हमने छेड़ी थी वो बहुत अच्छे से और बहुत सुचारू रूप से लोगों ने उसके साथ एसोसिएट किया और इसके हम पॉजिटिव रिजल्ट देख रहे हैं और यही हम आगे भी जारी रखेंगे। एनडीपीएस एक्ट में हमारे ओवरऑल रजिस्ट्रेशन जो है केसेस की वो बड़ी ज़रूर है, पर अभी भी हमको लगता है कि हमको और इसमें करने की आवश्यकता है। पिछले साल से कंपैरिजन में हमसे हमारे 51 केसेस जो हैं इस बार रजिस्टर हुए हैं, जिसमें हमने 10 किलो चरस और 364 ग्राम हेरोइन और 464 ग्राम ओपियम जो है, इसके अलावा भुक्की जिसको पॉपी हस्क बोला जाता है वो हमने लगभग 15 किलो जो है इस साल पकड़ी है। हमारा ये जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें हमको और आगे एक्टिविटी करने की ज़रूरत है और उसमें हम करते रहेंगे, लगातार लगे हैं। हमीरपुर पुलिस ने सिर्फ ज़िले के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे ज़िलों से और इवन स्टेट के बाहर से जो है कई लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में जिनका होना पाया जा रहा है उनको पकड़ा है और ये हम पूरे जोर शोर से आगे भी करते रहेंगे। सर, कहीं